नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू जैन द लर्नर एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम अपने करंट अफेयर्स के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं अपने आज की फर्स्ट न्यूज़। आज की पहली न्यूज़ है, हाल ही में नया वर्चुअल ब्रिल कीबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। अब नया वर्चुअल कीबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की है तो ये किसने की है? गूगल ने। किसने घोषणा की है ये अपनी? गूगल ने। क्या है नया वर्चुअल कीबोर्ड? अब ये कीबोर्ड क्या है? ब्रिल, जो लोग जिनको दिखाई नहीं देता उन लोगों के लिए ये कीबोर्ड है कि वो अपना हाथ से टच करके उस कीबोर्ड का यूज़ कर सकें। तो इससे रिलेटेड अगर ब्रिल की बात चल रही है तो एक डे मनाया जाता है अपना वर्ल्ड ब्रिल डे। ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्रिल दिवस मनाया जाता है अपना 4 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अपन गूगल की बात करते हैं। गूगल का फुल फॉर्म, गूगल का फाउंडर कौन है? अपने लैरी पेज। और गूगल का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1998 में ये बन के तैयार हुआ था। इसका हेडक्वार्टर अपना कैलिफोर्निया यूएसए में है और सीईओ है इसके सुंदर पिचाई। इसकी पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक। अल्फाबेट इंक इसकी पेरेंट कंपनी है। तो इसके सीईओ कौन बने हैं? इसके सीईओ भी बने हैं सुंदर पिचाई। ठीक है दोस्तों, अब गूगल है तो गूगल पर देखते हैं और क्या है गूगल से रिलेटेड। तो गूगल ने अभी ये घोषणा की है, गूगल ने क्या घोषणा की है कि वो दिल्ली में अपना दूसरा क्लाउड क्षेत्र स्थापित करेगा। अब वो दिल्ली में क्लाउड क्षेत्र स्थापित करेगा, दूसरे नंबर का है, तो पहला क्लाउड क्षेत्र कहाँ है? वो है अपना मुंबई में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अपन सेकेंड न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की अपनी सेकेंड न्यूज़ है, हाल ही में HUI ने भारत में COVID-19 का मुकाबला करने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? उसने समझौता किया है यूनिसेफ के। किसके साथ समझौता किया है? यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। किसने? HUI ने। अब HUI ने समझौता किया है। HUI क्या है? HUI है हिंदुस्तान अनलीवर लिमिटेड, HUI का फुल फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? HUI का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके CEO कौन है? संजीव मेहता। इसके CEO है संजीव मेहता, हेडक्वार्टर है मुंबई में और फुल फॉर्म है हिंदुस्तान अनलीवर लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अब यूनिसेफ की बात करते हैं क्योंकि HUI ने किसके साथ समझौता किया? यूनिसेफ के साथ। तो अब यूनिसेफ को देखते हैं, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। क्या है यूनिसेफ का फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। और चलिए दोस्तों, अब लेते हैं अपन नेक्स्ट न्यूज़, अपनी थर्ड न्यूज़। तो थर्ड न्यूज़ है अपनी आज की, हाल ही में भारत सरकार ने iGOT नामक एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, क्यों लॉन्च किया है ये? क्योंकि COVID-19 से रिलेटेड जो पेशेंट है उनकी मॉनिटरिंग के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत दो ऐप उन्होंने लॉन्च किए हैं, एक है कोरोना कवच, दूसरा है आरोग्य सेतु। क्या है? एक कोरोना कवच, एक है आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु क्या है? जिन लोग के पास एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें उस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं कि एक और इन्होंने ऐप लॉन्च किया है, एक अभियान और चलाया है MHRD मंत्रालय ने। तो ये क्वेश्चन अपना कैसे बनेगा कि किस मंत्रालय की मदद से भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान शुरू किया गया है? तो भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान तो ये किस मंत्रालय की मदद से शुरू किया गया है? MHRD की मदद से शुरू किया गया। MHRD के अपने मंत्री कौन है? वो हैं अपने रमेश पोखरियाल, ये हरिद्वार से हैं। और इन्हें MHRD ने समाधान नाम से चैलेंज शुरू किया है, जिसका नाम है भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन। ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है मानव संसाधन मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, चलिए अब लेते हैं अपन नेक्स्ट न्यूज़। बार्डा ने प्ले ट्रू डे 9 अप्रैल को मनाया। कौन सा डे? प्ले ट्रू डे। ये कब, किसने मनाया? बार्डा ने। बार्डा क्या है? बार्डा का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इन्होंने क्या मनाया? प्ले डे। ये प्ले ट्रू डे ये कब से मनाया जा रहा है अपना? 2014 से मनाया जा रहा है। इसकी थीम क्या थी इस बार की? इसकी थीम थी इस बार प्ले सेफ ऑन प्ले ट्रू डे। इसको मनाने का उद्देश्य क्या रहता है? खेलों में इलीगल दवाई के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना।
इलीगल दवाइयों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना। बाड़ा का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है अपना? बाड़ा का हेडक्वार्टर है अपना मार्टियाल में, और इस बाड़ा ने क्या किया है, रूस को 4 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है। रूस पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है कि वो कोई गेम नहीं खेल सकती। और एक और एजेंसी है अपनी नाडा, एक और एजेंसी है अपनी नाडा, नाडा जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ना। इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाए गए थे अभी? नाडा के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था सुनील शेट्टी को। अच्छा, 9 अप्रैल, 9 अप्रैल को ये डे मनाया गया है अपना बाडा से, बाडा का प्लेट टू डे। 9 अप्रैल को एक डे और मनाया जाता है, 9 अप्रैल को ही क्या होता है, सीआरपीएफ के द्वारा शौर्य दिवस मनाया जाता है। शौर्य दिवस वो भी 9 अप्रैल को मनाया जाता है, और प्ले टू डे भी 9 अप्रैल को मनाया जाता है। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है अपना? सेंट्रल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ ने क्या किया था, 1965 को पाकिस्तान की एक टुकड़ी को विफल कर दिया था, जब से 9 अप्रैल को अपना शौर्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको अब एक चीज बतानी है, इसमें क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर्स का, ये सीआरपीएफ के प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है। ओके, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़, आज की 5th न्यूज़ लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके साथ मिलकर आरोग्य सेतु इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम सेवा शुरू की है। तो किस सरकार के साथ शुरू की है? तमिलनाडु के साथ में। किस सरकार के साथ? तमिलनाडु के साथ में कौन सी सेवा शुरू की है? आरोग्य सेतु इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम सेवा। तो अब ये क्या है इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम सेवा? क्या है कि हर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन तो है नहीं, तो जिन लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, कीपैड फ़ोन है, उनके लिए ये ऐप रहेगी इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम सेवा। ये उनके लिए शुरू की गई है, और आरोग्य सेतु एंड्रॉयड वालों के लिए शुरू की गई है। अब तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया, बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। और यहाँ के सीएम कौन है? पल्लानी स्वामी। अच्छा, अब कई बार पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ है अपना? मुंद्रे में। और सबरीमाला पूछा जाता है, सबरीमाला कहाँ? केरल में है। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ याद रखना, अगर तमिलनाडु की बात की गई है तो रूपक गुरुनाथ को याद रखना। रूपक गुरुनाथ क्या है, ये यहाँ की क्रिकेट एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं। ये रूपक गुरुनाथ जो हैं, ये तमिलनाडु के क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। साथ ही ये देश की किसी भी राज्य की पहली महिला अध्यक्ष हैं क्रिकेट एसोसिएशन की। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आज की न्यूज़ अपन यहीं ख़त्म करते हैं। कोरोना वायरस, स्टे सेफ स्टे होम। ठीक है दोस्तों, मजबूरियां होती हैं महान लोगों के जीवन में, नहीं तो राम वनवास में, कृष्ण कारावास में, और इंसान अपने आवास में क्यों रहते हैं? क्योंकि मजबूरियां उन्हीं लोगों के जीवन में आती हैं जो उनसे लड़ने की क्षमता रखते हैं। इसलिए कोरोना से डरना नहीं है, हमें लड़ना है, और अपने घर में रहो, सुरक्षित रहो, टाइम का सदुपयोग करो, पढ़ाई करो। और आज के क्वेश्चंस हैं अपने आज की वीडियो से रिलेटेड। विश्व विरल दिवस कब मनाया जाता है? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, गूगल का पहला क्लाउड क्षेत्र कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? और किस मंत्रालय द्वारा भारत पढ़े अभियान की शुरुआत की गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बाड़ा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओके दोस्तों, थैंक्स वीडियो को देखने के लिए।